गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर स्टडीज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइंस चैप्टर नंबर 1 विच इज द बायो चैप्टर ऑफ क्लास 6 दैट इज फूड एंड इट्स सोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, वी ऑल आर रेडी टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर फूड एंड इट्स सोर्सेस। वी ऑल नो दैट वॉट इज फूड। फूड इज द बेसिक नेसेसरी for every human beings and all living things to stay alive. We take food in the form of liquid material, can be called food if after being eaten it serves the following purposes. हम भोजन लेते हैं और हम ही क्या इंसान, जितने भी human beings हैं, animals हैं और जो भी plants हैं, सबको food चाहिए ताकि वो अपने life को stay कर सके। food ही एक ऐसा जरिया जिसके द्वारा हमें ताकत मिल सकती है और अपना जीवन हम बिता सकते हैं। फूड हम लोग लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में भी लेते हैं और फूड हर वो चीज़ है जिसको खाने के बाद हम फॉलोइंग चीज़ सर्व कर सकते हैं। पहला, इट फर्निशेस सब्सटेंस फॉर ग्रोथ। ये हमारे बॉडी में ऐसे सब्सटेंस बनाता है जो हमारे ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी टिश्यू के लिए हेल्प करता है। इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर हीट एंड वर्क। ये हमारे बॉडी में हीट एंड वर्क देता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कीप इट हेल्दी फॉर रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेसेस। अब आते हैं नरिशमेंट। अब ये जो फूड हम लोग लेते हैं, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी टिश्यू के रिपेयरिंग, एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस के लिए होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। एंड द एक्सपर्ट हु इज स्टडीज अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स एंड हाउ द बॉडी यूजेस देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट। हाउ फूड इज फॉर्म, फूड कैसे बनता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रीन प्लांट्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्रीन कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स। और ग्रीन लीव्स जो है, इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है, वाटर मिनरल सॉइल से लेता है और वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। सबसे पहले वो अपना फूड प्रिपेयर करता है और इस प्रोसेस को वो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, वाटर के प्रेजेंस में, जो वाटर मिनरल्स रूट से लेते हैं प्लांट्स H2O, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, अपना फूड। उनका फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है और वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2। एंड अ प्लांट्स वे ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस इज द डायग्राम विच शोज हाउ प्लांट्स मेक फूड। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड ग्रीन कलर इज ऑलरेडी इन देयर लीव्स एंड दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड आफ्टर दैट दे मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे रिलीज ऑक्सीजन टू द एटमोसफेयर। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में और दिस यूज एनर्जी टू कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस। और वो फूड बनाने के बाद कुछ तो यूटिलाइज करते हैं और खुद फूड अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लीव्स, रूट्स, स्टेम, सीड्स एंड फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। वी ईट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड। सोर्सेस ऑफ फूड देखें तो हम लोग, सोर्सेस ऑफ फूड बहुत सारे हैं, दो तरह के होते हैं बेसिकली। और उस दो पार्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हम लोग ले सकते हैं सोर्सेस ऑफ फूड में। पहला सोर्स तो आता है प्लांट सोर्स एंड अदर एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब प्लांट सोर्स से आ जाता है। मिल्क, फिश, मीट, एग, ये सब एनिमल सोर्स का फूड है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स में देखते हैं तो सबसे पहले आता है सीरियल्स। सीरियल्स क्या है, ये मेन कोर्स है जो फूड का, सोर्स ऑफ फूड, बिकॉज दे फुलफिल मोस्ट ऑफ आर एनर्जी। क्योंकि हम लोग बेसिकली फूड में जो चीज़ लेते हैं वो अनाज के दाने हैं, अनाज से बनी हुई चीज़ें हैं और वो उसको हम लोग लेते हैं अपने एनर्जी को पूरा करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स है राइस, व्हीट, मेज है, बार्ली, ये सब सीरियल्स में आ जाते हैं। एंड सीरियल्स आर द सीड्स ऑफ डिफरेंट स्मॉल प्लांट्स। सीरियल्स क्या है, छोटे छोटे हर्ब्स प्लांट से उगते हैं, उनके बीजों से, जैसे कि व्हीट है, राइस है एंड मेज है। एंड नेक्स्ट वन इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पल्सेस एंड लेग्यूम्स क्या है, दालें जिसमें आ जाती हैं हर प्रकार की। लेग्यूम्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन आवर बॉडी ग्रोथ। ये पल्सेस प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये हमारे बॉडी ग्रोथ में काम आते हैं, जैसे कि चना है, पिजन पी है, काउ पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, उरद, लेंटिल्स, मसूर पी, सोयाबीन एटसेट्रा।
These are different types of pulses. Pulses are legumes, are the seeds of some plants. They can also be stored because they are dry seeds. इसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग बहुत सालों के लिए. लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनके रूट्स नोड्यूल्स में होता है. छोटे छोटे गोल गोल नोड्यूल्स होते हैं इन प्लांट्स के रूट्सों में, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. ठीक है, दिस बैक्टीरिया फिक्स अप एटमोस्फेरिक. वो बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमोस्फेयर का जो भी नाइट्रोजन है उसको वो चेंज करता है यूजेबल प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन के फॉर्म में, जो प्लांट्स आसानी से यूज करें अपने सॉइल से. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड में, वो होता है फ्रूट्स. फ्रूट्स हर प्रकार के होते हैं, और उस फ्रूट से हमें दो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्पेशली विटामिन्स बोला जा सकता है स्पेशली, एंड मिनरल्स भी. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिफिशेंसी डिजीज. ये हमें बहुत सारी डिफिशेंसी बीमारियों से ही बता देता है. दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी इंस्टेंटली. सम कॉमन फ्रूट्स आर एप्पल, एप्रिकॉट, कस्टर्ड एप्पल, डेट पाम, ग्रेप्स, गुआवा, लीची, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पीच, पियर एट्सेट्रा. ये सब फ्रूट्स आ गए. फिर उसके बाद फूड का अनदर सोर्स, दैट इज कॉल्ड वेजिटेबल. वेजिटेबल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. सम कॉमन वेजिटेबल्स आर पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, कैरेट, स्पिनच, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा. ये एक लिस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग खाते हैं. कॉलीफ्लावर में फ्लावर को खाते हैं, टोमेटो फ्रूट है, पोटैटो स्टेम है, लेडी फिंगर फ्रूट, ब्रिंजल का फ्रूट है, कैबेज का हम लोग लीव्स लेते हैं, जिंजर का रूट को कंज्यूम करते हैं, कोकुम्बर के फ्रूट को, रेडिस के स्टेम, ओनियन के भी स्टेम, स्पिनच के भी लीव्स को. शुगर क्या है, शुगर इंपॉर्टेंट सोर्स है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन. ये शुगर केन से बनते हैं यानी गन्ने से, एंड शुगर बीट से भी. शुगर केन इज अ स्टेम वाइल शुगर बीट इज अ रूट. इन चीज़ों से हमारा शुगर बनता है. ऑयल्स, हम ऑयल्स का भी यूज़ करते हैं. ऑयल्स का तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, टेकन एज अ फूड आइटम. दे आर मोस्टली यूज टू कुक अदर फूड मटेरियल्स. हाउएवर ऑयल आर रिच इन फैट्स एंड मिनरल्स. एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल कैन काउज ओबेसिटी. वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन एट्सेट्रा. स्पाइसेस मसाले में आते हैं. स्पाइसेस मेक आवर फूड टेस्टी बिकॉज दे एड फ्लेवर टू इट. तो सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस विच वी आर यूजिंग कॉमनली स्पाइसेस आर जिंजर, वट वी कॉल अदरक, कोरिएंडर, धनिया, थीम, अजवाइन, क्यूमिन, जीरा, फेन्यूग्रीक, मेथी, नटमेग, जायफल, फेनल सौफ, टर्मरिक, हल्दी एंड रेड चिलीज, मिर्चा. बेवरेजेस, द मोस्ट कॉमन बेवरेजेस आर टी, कॉफ़ी. हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ टी कॉफ़ी. बेवरेजेस में टी कॉफ़ी आते हैं स्टूडेंट्स, और ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करेंगे ज़्यादा मात्रा में टी या कॉफ़ी, ये हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है. तो टी इज़ ऑफन कॉल्ड द क्वीन ऑफ बेवरेजेस बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज बेवरेजेस. कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट. दीज सीड्स आर कॉल्ड कॉफ़ी बीन्स. टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट. फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, ये फूड फ्रॉम एनिमल्स है. अब इस टॉपिक में हम लोग को ये देखना है कि हम लोग बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स से डिराइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग, मीट, फिश, ऑयल एंड हनी फ्रॉम द एनिमल्स. इन एंशियंट टाइम एनिमल्स वेर यूज मेन सोर्स ऑफ फूड, बट नाउ इट इज प्लांट्स हैव बिकम द मेन सोर्स ऑफ फूड. मिल्क फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, तो मिल्क कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. दो मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, इट इज कंसिडर्ड एज वेजिटेरियन फूड. मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैमल्स लाइक काउज, बफेलो, गॉट, शिप, कैमल, बट द मिल्क ऑफ द काउज, बफेलो इज वाइडली यूज एंड द मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स. एंड वेरियस प्रोडक्ट्स वेयर मेड फ्रॉम मिल्क, दैट इज बटर, आइसक्रीम, पेस्ट्री, घी, क्रीम, चीज. एग्स क्या है, ऑल बर्ड्स एंड सम एनिमल्स ले एग्स, बट वी ईट द एग्स ऑफ ओनली हेंस, फॉल्स एंड डक्स. एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन. दीज बर्ड्स आर रियर्ड इन पोल्ट्री फार्म्स. वी ऑल्सो टेक मीट. मीट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉक, फॉल, डक, गॉट्स एंड शिप. मैनी पीपल ऑल्सो लव टू ईट फिश. सम इम्पॉर्टेंट फिश फाउंड इन फ्रेश वाटर आर रोहू, लेबियो, हंडी, उरी एंड चिक्का. सम इम्पॉर्टेंट फिश फाउंड इन सी वाटर आर कॉड, ईल, हेलीबर्ट,
पॉमीफ्रेट टूना सैल्मन। द रियरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। फिश आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं हम लोग हनी में। हनी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। वो दिन भर काम करते हैं और फूलों का रस चूज करके ले आ करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, उससे वो हनी बनाते हैं। द स्टोर देयर नेक्टर इन द फॉर्म ऑफ हनी इन देयर हाइव। सो अपने छत्ते में हनी को, नेक्टर को स्टोर करते हैं और हनी में बदलते हैं। हनी इज न्यूट्रिशियस एज वेल एज डाइजेस्टिबल। ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और काफ़ी न्यूट्रिशन होता है हनी में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड ऑल्सो। द रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर कमर्शियल पर्पज इज कॉल्ड एपीकल्चर। ऑयल्स, वी गेट वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स फ्रॉम फिश। दीज ऑयल्स हैव ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन्स। कॉड लिवर ऑयल इज यूज इन वेरियस मेडिसिन। बट वी शुड नॉट किल एंडेंजर्ड फिश फॉर देयर ऑयल और अदर बॉडी पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड वीडियो।